तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर अपने बयानों में ये भी कह चुके हैं कि जो निर्णय है हरियाणा में किसके प्रतिनिधित्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये आलाकमान इस बात पर फैसला करेगा। हालांकि अब तक आलाकमान ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन जहां तक हरियाणा में गुटबाजी की बात है, क्या कुछ कहते आए कांग्रेस के अपने नेता अपने ही नेताओं के लिए, वो आपको एक बार सुनवाते। पहले बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कांग्रेस और इनेलो जेजेपी और बीएसपी चारों को मिलके आपस में बैठ के बात करके और एक बराबर हरियाणा में एक वाइबल गठबंधन बनाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हम इकट्ठे नहीं थे, एक चेहरा इकट्ठे में नहीं दे सके। इसी का मोदी साहब को फायदा मिला कि पूरे देश ने मोदी को कभी नहीं मिला था, वो मोदी जी को बहुमत दिया और लोग चाह रहे हैं कि वाइबल ऑल्टरनेटिव सामने। जो अब तक का प्रेजेंट सेटअप चल रहा है उसमें कांग्रेस हरियाणा में कहीं नहीं है। जब तक आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप स्वीकार नहीं करेंगे, उनको आगे करके उनको चेहरा बना के नहीं चलेंगे, तब तक हरियाणा में कांग्रेस का कुछ नहीं बनेगा। अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं बना सकते। आपको कोई कह दे इनेलो और जेजेपी कहीं नहीं है तो बेकार की बात है। इनेलो जेजेपी आज तक ज्वाइंट पंजाब से लेकर अब तक सबसे बड़ी कांग्रेस के बराबर बराबर सरकार रही है, बराबर उन्होंने सरकारें बनाई है। जब सरकार नहीं बनी तो विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा वो रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन वो रहे हैं। उस पार्टी को हम कतई इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों की भावना ये है कि हम इकट्ठे होकर चलें, नहीं तो हरियाणा में बिल्कुल ख़त्म है, कांग्रेस भी ख़त्म है, दूसरी पार्टियां भी ख़त्म है, फिर बीजेपी की एक तरफा रास्ता दे देंगे आप। तो बताएं आपको कि कांग्रेस नेता तरुण भंडारी के भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। नहीं, ऐसा है कि जो भी परिवर्तन रैली हमारे शीर्ष नेता करना चाहते हैं ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है और इस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए ये रैलियां हो रही हैं। हमारी कई यात्राएं कई रैलियां हुई, लोकसभा के चुनाव में मुद्दे भिन्न थे, मोदी जी के नाम पे ये वोट ले गए, परंतु अब इनको उन मुद्दों जो इन्होंने किए थे, जो जनता के साथ वादे नहीं संकल्प लिए थे 154, उनका जवाब देना पड़ेगा और मनोहर लाल खट्टर और उनके विधायक और मंत्रिमंडल को तैयार रहना चाहिए। जनता उनसे प्रश्न पूछेगी 154 में से कितने वादे उन्होंने पूरे किए, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और हरियाणा को फिर उसी बह के माहौल में ले गए जो पहले आज से 10 वर्ष पहले था। आज इनको उन 154 वादों का सवाल देना चाहिए हमारे नेताओं के।